विक्रम शिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चौदहवीं ऋषिकेश, विश्व जनसंख्या परिदृश्य कर रहे थे हम, वर्ल्ड पॉपुलेशन सिनेरियो, उसमें आज आपका टेस्ट है आगे का। सही क्वेश्चन पर एक, सही आंसर पर एक नंबर, गलत आंसर पर जीरो नंबर, लास्ट में आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन लिखिए, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेगालोपोलिस शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, नगर यानी सिटी, नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो नगर के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो नगर के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं किस संज्ञा से जाने जाते हैं, मतलब क्या क्या कहा जाता है उन्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले चार नगर बताने हैं आपने, ऊपर से नीचे, 1 2 3 4। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले चार नगर, सिटी, नगर मतलब सिटी, और उसके आगे अगर जनसंख्या भी लिख दो तो बहुत अच्छा है, कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है। मिलियन में लिखनी है जनसंख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? दरअसल जो आंकड़े हैं ना वो पुराने ही हैं, WUPR के रिपोर्ट के अनुसार वो 2018 में बताया था उन्होंने, उसके बाद अभी नए आंकड़े नहीं आए हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? कितने परसेंट जनसंख्या नगरीय है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विश्व के शीर्ष चार ग्रामीण जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? ग्रामीण जनसंख्या, विश्व के शीर्ष ऊपर के चार ग्रामीण जनसंख्या वाले देश बताने हैं आपने, कौन कौन से हैं, यानी पूरे संसार में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, उसके बाद कहाँ करती है, ऐसे करके बताना आप। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश, सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? अब वैसे एक नाम नहीं बोलते हैं क्योंकि 100% वाले बहुत सारे हो गए, उन सबको लिखिए, एक आंसर नहीं आएगा इसका। 100% नगरीकृत जो है देश कौन कौन से हैं? बहुत ज्यादा हो गए, ऊपर के चार लिख दीजिए, चार पांच एग्जाम्पल दे दीजिए, बहुत हो जाएगा, चार पांच नाम दे दीजिए क्योंकि उसमें तो कम से कम 10 हैं। अगला क्वेश्चन, आपने बताना मुझे एशिया, अफ्रीका, अगला क्वेश्चन है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, क्या क्या पूछा मैंने, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका,
के सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन से हैं? एक बार एशिया का फिर उसी क्रम में लिखना भाई। हाँ, सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन से हैं? एशिया, पहले एशिया लिखना, फिर अफ्रीका लिखना, फिर दक्षिण अमेरिका लिखना, दक्षिण अमेरिका, फिर लिखना उत्तरी अमेरिका। नगरीकृत समझते हैं ना, अर्बन, 100%। सार्क देशों में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? सार्क, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षेश, दक्षेश। हाँ जी, कितने देश हैं दक्षेश में? कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं? तो आपने मुझे सर्वाधिक नगरीकृत देश बताना है, साथ में आपने बताना है क्योंकि 8 देश हैं, तो इन 8 में भारत का नंबर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा? फिर अगला क्वेश्चन बना के लिखिए, यूरोप का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, और साथ में इसमें बताना अफ्रीका का न्यूनतम नगरीकृत देश कौन सा है? यूरोप का सर्वाधिक नगरीकृत देश, यूरोप का सर्वाधिक नगरीकृत देश। इसमें भी एक आंसर नहीं आएगा, इसमें 3 आंसर आएंगे क्योंकि 100% 3 देश हैं वहां पर, ठीक है? और साथ में इसी में बताना अफ्रीका का न्यूनतम नगरीकृत देश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नगरों के विकास की 6 अवस्थाओं का, 6 अवस्थाएं, जो 6 अवस्थाएं बताई हैं उनका नाम बताना है कि 6 अवस्थाओं में, 1938 में विभाजन किया था उन्होंने, कहा नगरों की 6 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, शिशु होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, जवान होता है, प्रौढ़ होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, ऐसे ही नगर भी मरते हैं, ठीक है? तो वो अवस्थाएं बतानी है आपने कि वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने, वो विद्वान कौन थे जिन्होंने नगरों की 6 अवस्थाएं बताई 1938 में, उनका नाम बताना आपने। साथ में आपने ये बताना है कि वो 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। आईएएस का क्वेश्चन रहा भाई, दरअसल आईएएस में इसके बीच में से एक का पूछा उन्होंने, अभी बताऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक ही में लिखना है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन बनाया, यूपीएससी ने इस तरह से बनाया कि किस अवस्था में नगर का पतन प्रारंभ हो। अगर आपने पहला वाला कर दिया तो अपने आप ही पता चल जाएगा लास्ट आंसर है, पर मैं एक बार बना के दे रहा हूं आपको क्वेश्चन कि किस अवस्था ऐसे लिखिए, किस अवस्था में नगर अपनी चरम अवस्था पर होता है और किस अवस्था में नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है। चरम और पतन, ये दो चीजों के आंसर क्रमशः बताने हैं आपने। चरम अवस्था बताइए पहले, और फिर पतन वाला बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, तीन भाषाएं बतानी है आपने कि सबसे ज्यादा भाषाएं क्रमशः 1, 2, 3 नंबर पर कौन कौन सी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए भाई मानव विकास रिपोर्ट से जब क्वेश्चन बनेगा तो वो तो बनेगा कौन सा, 2023-24 के आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे, तो मानव विकास रिपोर्ट तो ठीक है। मैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मानव विकास रिपोर्ट से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। इसमें दो नाम लिखना है क्योंकि इनके इनका सहयोग किया था किसी ने, तो दोनों के नाम लिखना है, एक ही नाम मत लिखना है। इनके सहयोगी भी थे जिन्होंने किया, तो उनका नाम भी लिखना आप। यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किस वर्ष मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने के लिए HDI बोलते हैं शॉर्ट में, मानव विकास सूचकांक तैयार करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का इस्तेमाल किया। ये पीसीएस का क्वेश्चन रहा है शायद उत्तराखंड में। किस वर्ष यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने के लिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इस्तेमाल किया। किसी ने अपडेट कर रखा है, नया आंकड़ा लिखा हुआ है किसी ने बुक में पढ़ते हुए, या पुराना ही पढ़ लिया सबने।
पुराने ही पढ़े। अरे पुराना नहीं पढ़ना भाई, हर साल आती है ये रिपोर्ट। क्या होती है ये? सितंबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, आने वाली होगी। कितनी तारीख है आज? आ गई होगी अब तक, सितंबर में आ जाती है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। पहला मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा कब जारी किया गया था? पहला मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर किसी देश को देखना है कि कितना विकसित, कितना बढ़िया है, उसके लिए मानव विकास सूचकांक देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहला मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा कब जारी किया गया था? इसमें सन बताना आपने खाली। भारत मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मूल्य के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखो भाई मैं बता देता हूं हल्का सा। दरअसल क्या है कि जब इसको डिवीजन किया जाता है तो चार प्रकार के देशों का विभाजन करते हैं हम। सबसे पहले जो आते हैं पहले नंबर पर, वो होते हैं अत्यधिक उच्च मानव विकास श्रेणी वाले देश। अत्यधिक उच्च मतलब समझ लो जैसे क्या, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, ये पुराने उसके आधार पे बता रहा हूं मैं। फिर आते हैं आपके उच्च मानव विकास की श्रेणी वाले, फिर आते हैं मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले, फिर आते हैं निम्न मानव विकास श्रेणी वाले। और इनका आपको याद भी, अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक नंबर होना चाहिए, वो तब जाके वो क्या होता है अत्यधिक उच्च मानव विकास में आता है। कहाँ से कहाँ तक में उच्च मानव विकास में आएगा, कहाँ से कहाँ तक मध्यम मानव विकास में आएगा, कहाँ से कहाँ तक निम्न मानव विकास में आएगा। अब प्रत्यक्ष रूप से मैंने आपको चार ऑप्शन दे दिए। मेरा क्वेश्चन है कि भारत मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मूल्य के किस श्रेणी में आता है? उसका आंसर लिखना आप। यूपीएससी हो, कोई भी कंपटीशन हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इतना इसलिए इसको तो पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, वो क्या बनेगा वो किसी को नहीं पता होता, वो तो भविष्य के गर्भ में है। पर मैंने कहा इसको अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो काम आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन लिखिए। अत्यधिक उच्च मानव विकास श्रेणी, अत्यधिक उच्च मानव विकास श्रेणी, उसके नीचे लिखिए उच्च मानव विकास श्रेणी, उच्च मानव विकास श्रेणी, तीसरे नंबर पे लिखिए मध्यम मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, और उसके नीचे लिखिए निम्न मानव विकास श्रेणी। इतना तो समझ ही जा रहे होंगे इंग्लिश वाले भी, हिंदी में अत्यधिक उच्च उच्च नहीं बोलते कि बहुत हाई लेवल है जी उनका, बड़ा रहन सहन जो है खान पान गजब का है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। और एक जगह ऐसा है कि छीनो झपटो आंदोलन है, छीनो झपटो भैया जिसको हाथ लग गया। इनमें आपने मुझे ये बताना है, मूल्य बताना है, एचडीआई मूल्य बताना है कि किस एचडीआई मूल्य पर हम उसको अत्यधिक उच्च मानव विकास बोलेंगे, किस एचडीआई मूल्य पर हम उसको उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखेंगे। उन देशों को एक ही नहीं होता है, कई कई देश आते हैं, तो मूल्य लिखना है आपने। क्लियर हो गया? अगर आपने पेपर ढंग से कर लिया और उसके बाद फिर इसको पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ना कैसे है इसको। ठीक, लेकिन पढ़नी नई रिपोर्ट है 2023-24 वाली रिपोर्ट पढ़नी है आपको। और ये भी बता दूं आपको, ये मेंस में भी काम आएगा आपको। कहां पर?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आयाम और 4 संकेतक बताने हैं आपने, कौन कौन से होते हैं? 3 आयाम, चार संकेतक। थोड़ा लंबा आंसर, टाइम दे रहा हूं। ये कंपटीशन है, यहाँ कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम कर लेंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई पहले बता दूं, जेसीबी चलाने से बहुत आसान काम है, हैंडपम्प खोदने से बहुत आसान काम है, सेल्टरिंग लगाने से बहुत आसान काम है। जिसमें जान का खतरा होता है, इसमें कोई जान का खतरा नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपने बैठना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? HDI के 3 आयाम और 4 संकेतक। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तीन नए सूचकांक। अगला क्वेश्चन लिखिए। कहाँ गए भाई 3 नए सूचकांक? सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है? मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। सबसे घना, सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा है वहां पर, बहुत घना बसा हुआ है, नजदीक नजदीक लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व में अधिकतम आयु संभाव्यता किस देश में है? विश्व में अधिकतम आयु संभाव्यता किस देश में है? आयु संभाव्यता का मतलब समझते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल सकते हैं आप, वो तो जन्म के समय होती है, बट आपको उस देश में जाओगे आप तो आपको 110 115 साल के भी बूढ़े दिख जाएंगे, कपल भी दिखेंगे कई। तो क्या उम्र है जी 110 साल है? यहाँ तो आश्चर्य वाली बात है, यहाँ तो 60 पार कट जाए तो आश्चर्य है। नहीं, यहाँ पे अभी कितनी है आयु? लगभग लगभग अभी पूछूंगा,
बताऊंगा मैं आपको कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने आधिकारिक तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? परिवार नियोजन, आधिकारिक तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? ट्राइंगल होता है इसका साइन, इसका परिवार नियोजन का, हम दो हमारे दो। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? निम्नलिखित किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में तमिल बोली जाती है अधिकाधिक रूप से? तमिल, तमिल समझते हो, तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा। मैं साउथ ईस्ट कंट्री, सॉरी साउथ ईस्ट कंट्री मतलब दक्षिण पूर्वी देशों में से किस देश में तमिल का प्रयोग किया जाता है अधिकाधिक रूप से? लैप्स जनजाति कहाँ निवास करती है? लैप्स, लैप्स जनजाति कहाँ निवास करती है? कुर्द, मधेशी और रोहिंग्या। कुर्द, मधेशी और रोहिंग्या, इस समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लौंग की भूमि, लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? लौंग का द्वीप, लौंग, लौंग, लैंड ऑफ क्लोव, आइलैंड ऑफ क्लोव, बताया था मैंने। विश्व का निर्जनतम द्वीप, विश्व का निर्जनतम मतलब कुछ नहीं है, वहां एक आइलैंड है अटलांटिक ओशन में नीचे है, साउथ अटलांटिक के भी बहुत नीचे है, उसका नाम बताना आपने। निर्जनतम, निर्जन मतलब जहां कोई नहीं है, ना आदमी ना पक्षी ना जानवर ना पेड़, ना पेड़ पौधे तो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई।
फार्मोसा आइलैंड का नया नाम बताना आपने। फार्मोसा आइलैंड, नॉर्थ रोडेशिया। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ रोडेशिया और साउथ रोडेशिया का नया नाम बताना आप। नॉर्थ रोडेशिया एंड साउथ रोडेशिया। डच ईस्ट इंडीज का नया नाम बताना आपने। ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, शुरू में जब तैयारी करते हैं बच्चे तब पूछे जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क शहर किन नदियों के किनारे अवस्थित है? वॉशिंगटन डीसी, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर अवस्थित है? डेन्यूब नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है? डेन्यूब यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मर्तवान की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण पूर्वी एशियाई एशिया की नदी का नाम बताना आपने। मर्तवान की खाड़ी, मर्तवान, मर्तवान की खाड़ी, खाड़ी समझते हैं, जैसे हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, वैसे मर्तवान की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताना आपने। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की एक नदी है, तिब्बत से निकलती है, किंडन पर्वत से निकलती है, मर्तवान की खाड़ी में गिरती है, उस नदी का नाम बताना आपने। टफ हो गया क्वेश्चन वैसे। रॉयटर्स कहां की समाचार एजेंसी है? राइटर्स बोल देते हैं हिंदी में, बट रॉयटर्स होता है वो RUTERS। रिटर्स कहां की समाचार एजेंसी का नाम है? रिटर्स विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? रिवर आइलैंड। रिवर आइलैंड, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम बताना आपने।
देश का नाम भी बताना, कहां पर है ये? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय जरूर लिख देना, एक्टिव वॉल्केनो। इतियापू डैम किस नदी पर है? इतियापू डैम, ये आईएसएन में पूछा गया, कमाल की बात है। इतियापू डैम किस नदी पर है? हाँ, नदी पे ही होते हैं डैम। इतियापू डैम किस नदी पर है? और साथ में अगर आप ये भी बता दें कि कहां पर है ये, तो कमाल हो जाए। ठीक है, आंसर बता रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, मेगालोपोलिस शब्द का प्रथम प्रयोग करता कौन था? सबसे पहले मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया? जीन गोटमैन। कमाल की बात है, कभी यूपीएससी वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। कैसा? जीन गोटमैन। अब यूपीएससी ने अगर पूछ लिया तो आज वो तो समूह गांव में भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो गए। तो अब वो किताबों में आ गए तो ग्रुप सी वाले भी पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, नगर के आसपास का वो ग्रामीण क्षेत्र जो उससे संलग्न रहता है, संबद्ध होता है, आंसर अमलैंड बोलते हैं उसको। अमलैंड, इंग्लिश अमलैंड। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले चार शहर कौन से हैं वर्ल्ड के? तो भैया टोक्यो है, 37.46। मतलब कितने करोड़? 3,74,00,000 लोग रहते हैं टोक्यो के अंदर। दूसरे नंबर पे दिल्ली, 2,85,00,000 लोग रहते हैं। कितने हो सकते हो आप दिल्ली? अगला, संघाई, वहां 2,55,00,000 लोग रहते हैं। साओ पालो, वहां पर 2,16,00,000 लोग रहते हैं। कितने? दिल्ली। 7 बार उजड़ी, 7 बार बसी, किसने बसाई दिल्ली? अनंगपाल तोमर ने बसाई। पुराना नाम क्या था दिल्ली का? रक्त रंजित भूमि रही है दिल्ली। ठीक है, पहली दिल्ली किसने बसाई? ठीक है, अनंगपाल तोमर ने बसा दी, बट 7 बार बसी, 7 बार उजड़ी। तो दिल्ली में अलग अलग क्षेत्र दिखेंगे आपको, आपको एक कुतुब मीनार वाला क्षेत्र दिखेगा। गए हो? कुतुब मीनार नहीं देखी? हाँ, तो कभी वहां पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा का किला हुआ करता था, है ना? एक दिल्ली वहां है, दूसरा आपको सीरी फोर्ट दिखेगा, दूसरी दिल्ली वहां है, फिर आपको तुगलकाबाद के दिखेंगे, तुगलकाबाद मतलब तुगलकों ने जो बसाई, फिर लोधियों के भी दिखेंगे शायद अलग अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था चौथा? हमारे देश में, विश्व में, अच्छा, 55.3%, यानी 55.3% लोग नगरीय है, बाकी ग्रामीण है। आनंद कहाँ है, गांव में कि शहर में? फिर यहां क्या कर रहे हो भाई? एक नेपाली में एक गाना है कि हमारा मुल्क भी ऐसे ही है, बिल्कुल यहाँ के जैसा है, कहाँ के? उत्तराखंड जैसा है। कौमती बस पैसा है, मतलब पैसे की कमी है, इसलिए क्या कर रहे हैं आप लोग भी जो नीचे आए हैं? खाली पैसा मत बोलो, बोलो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। पैसा पैसा नहीं करना है, पैसे पे गाना बना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? पैसा आपको क्या लग रहा, गांव में नहीं है? क्यों, जाओ गांव में लगा दो, एक क्रशर लगा दो, क्रशर लगा दो, अगली 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। क्रशर समझते हो? क्रशर का मतलब होता है जहां पे पत्थर रोड़ी बनती है आपकी, पत्थरों को पीसा जाता है जहां पर, तो कहाँ मिलेंगे वो? गांव में मिलेंगे, नदी, जो नदियां होंगी उसके किनारे अगल बगल मिलेंगे। तो एक क्रशर लगाना पड़ता है, उसे पत्थर डालने पड़ते हैं, अलग अलग साइज की क्या होती है, रोड़ी होती है। तो अभी तो बने बनाए मकान मिल गए पिताजी के, जब बनाओगे आप तब समझ में आएगा रोड़ी का रेट क्या है, कितने इंची रोड़ी चाहिए, कितना लेंटर में कितना पड़ेगा, इसमें कितना पड़ेगा, है ना? वो कहाँ से आ रहा है? क्रशर से आ रहा है, उसमें डस्ट आती है,
डस्ट मतलब हर चीज बिकती है पत्थर की, रोड़ी भी बिकेगी, पतली रोड़ी भी बिकेगी, मोटी रोड़ी भी बिकेगी, लास्ट में जो धूल होती है उसको क्या मतलब जो बुरादा होता है उसको क्या बोलते हैं, पत्थर का डस्ट, जो कि देखा होगा आपने यूज करते हैं, तो उसका रेट रेत के रेट से कई ज्यादा होता है, क्योंकि क्या है उसमें विद्युत की खपत हुई है उसको पीसने में। अगली 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी अगर क्रशर लगा दिया तो, और वो कहां लगेगा, शहर के बीच में तो लगेगा। अगला, हाँ जी भाई तेज बोला करो भाई, ये है बालिका। विश्व के शीर्ष 4 ग्रामीण जनसंख्या वाले देश भारत, सबसे ज्यादा कहां है, भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत, विश्व के सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर, सिंगापुर। जैसे आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पार करते हो क्या कौन सा देश आता है बाईं तरफ, सिंगापुर। हांगकांग, मकाऊ, मोनाको, नोरू, जिब्राल्टर, ये सब 100% नगरीकृत है, छोटे छोटे हैं और 100% नगरीकृत है, ठीक है। सिंगापुर जाइए कभी, अगर लॉ कर रहे हैं आप तो उसके बाद बेस्ट लॉ कॉलेज सिंगापुर में ही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देखेंगे फिर आप, कहां पर, द हेग नीदरलैंड में, कहां पर जज बनेंगे फिर आप वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। कितना होगा आपका कार्यकाल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज का कार्यकाल कितना होता है, हाँ जी, अरे भैया 9 साल, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा आंसर होता है, कितना होता है, तो चेक करना, चेक करो जरा, इतना ही होता है। अगला क्वेश्चन भाई, क्या पूछा मैंने, एशिया के सर्वाधिक नगरीकृत, एशिया का पूछा मैंने, फिर मैंने पूछा अफ्रीका का, फिर मैंने साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, तो सिंगापुर, रीयूनियन, सिंगापुर हो गया एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत, रीयूनियन हो गया आपका अफ्रीका का, उरुग्वे हो गया दक्षिण अमेरिका का, और बरमूडा हो गया नॉर्थ अमेरिका का, है ना, वेस्ट इंडीज में पड़ता है आपका बरमूडा, बरमूडा ट्रायंगल सुने हो, हाँ, जहाज जाएगा नीचे, कोई भी चीज जाएगी नीचे, बरमूडा ट्रायंगल से क्वेश्चन बनाया और 3 पॉइंट पूछे उसने, 3 पॉइंट जिसके बीच में वो ट्रायंगल बनता है, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, अभी इसके बाद एटलस में ढूंढना, मियामी, प्यूर्टो रिको एंड बरमूडा, इन तीनों जगहों को जब हम मिलाते हैं तो ट्रायंगल बनता है, वहां से मना है जाना। अगला, अच्छा एक और जगह है नीचे, वहां अटलांटिक ओशन में ही सार्गेसो सी है, क्या है, सार्गेसो शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब है घास, समुद्री घास, अगर आप अपना पानी का जहाज लेके वहां से जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए वहां से भी जाना क्या है, मना है। अटलांटिक ओशन में, बल्कि अटलांटिक में ही बोलूंगा मैं, साउथ वेस्ट अटलांटिक में, साउथ वेस्ट, सुन लो काम आएगा, जॉब लगेगी, लोग मैम बोलेंगे और सैल्यूट करेंगे, तो सुन लो अभी, कौन सा, सार्गेसो सी कहाँ है, साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन, मतलब अटलांटिक ओशन के इधर है ना नीचे, अरे भाई जो ये आपका वेस्ट इंडीज वाला पार्ट दिख रहा, साउथ वेस्ट भी नहीं बोलते, चलो अटलांटिक ओशन बोल देते हैं, इस तरफ होगा आपका जो वेस्ट इंडीज वाला जो पार्ट है, हाँ उसके ऊपर। एक बार क्वेश्चन बना, किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द, पोर्चुगीज। अगला क्वेश्चन, जो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आगे, पाकिस्तान दुर्भाग्य से, और हमारा 7वां नंबर है, 8 हमारे बाद अफगानिस्तान है, हमसे ऊपर सारी सार्क कंट्री के हैं, क्या है, नगरीकृत है, पाकिस्तान सर्वाधिक नगरीकृत है, बट जो नगरों की जो क्वालिटी है, नगर तो है बट क्वालिटी कैसी है, नगर तो भाई जैसे आप जाओगे सिस्टमेटिक नगर बसे हुए, जैसे आप अगर कहाँ जाओगे, बेंगलुरु जाओगे, बेंगलुरु सिस्टमेटिक है, एक नगर आपका ऐसे तो दिल्ली भी है, चांदनी चौक वाला एरिया, वहां जाके देखो तो चांदनी चौक टाइप नगर है। अगला, ब्रिक्स में भारत है, ब्रिक्स में भारत सर्वाधिक नगरीकृत है 34%। अगला, यूरोप का मोनेको, होली सी, जिब्राल्टर, यूरोप में आते हैं ये, होली सी, जिब्राल्टर, सबसे पहले मोनेको, कहां में पड़ता है मोनेको, कहां पड़ता है मोनेको, बिस्किट आते थे पहले मोनेको के, अरे भाई किन दो देशों के बीच में पड़ता है मोनेको, ये पूछ रहा हूं मैं,
इटली और फ्रांस के बीच में, पक्का इटली और फ्रांस के बीच में। और एक देश और है स्पेन और फ्रांस के बीच में, वो कौन सा है? एंडोरा, जिसकी कैपिटल है एंडोरा ला वेला। मैंने वीडियोस बना रखे हैं वर्ल्ड मैप रीडिंग के, एक बार उनको आप देखेंगे तो विश्व में कहीं भी घूमेंगे आपको ये लगेगा कि हम अनजान नहीं है, हमें पता है सारा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन। अच्छा, बुरुंडी सबसे कम नगरीकृत देश है कहाँ? अफ्रीका का। बुजुम्बुरा कैपिटल है बुरुंडी की। अगला क्वेश्चन भाई, लुइस ममफोर्ड ने बताया कि कितनी अवस्थाएं होती हैं किसी भी नगर की? 6 अवस्थाएं होती हैं। पहले वो ईओपोलिस होता है, फिर वो पोलिस होता है, फिर वो मेट्रोपोलिस होता है, फिर मेगालोपोलिस होता है, फिर टायरेनोपोलिस होता है, फिर नेक्रोपोलिस होता है। 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आंसर मत लिखो बच्चे, आंसर सब लिखा हुआ है नोट्स में, है ना? खाली नंबर दो अभी, 1 नंबर 0 नंबर बस। तो इओपोलिस लिखना चाहो तो आप नए हो लिख लो, इओपोलिस, उसके बाद पोलिस, उसके बाद मेट्रोपोलिस, उसके बाद मेगलोपोलिस, उसके बाद टायरेनोपोलिस और उसके बाद नेक्रोपोलिस। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार, अंतिम अवस्था कौन सी होती है? आंसर नेक्रोपोलिस। अच्छा, सबसे चरम पर जब होता है तो मेगलोपोलिस, और अंतिम अवस्था पतन जब शुरू हो जाता है नगर का तो नेक्रोपोलिस। पतन जब शुरू होता है तब क्या? ठीक है, नेक्रोपोलिस। कभी सबसे बड़ा स्लम जो था वो धारावी था मुंबई में। हम शहरों में जाते हैं अच्छे जीवन की खोज में जाते हैं, और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि नारकीय हो जाता है जीवन। नारकीय मतलब वो स्वतंत्रताएं नहीं रहती जो आपके ग्रामों में होती है। तो अब तो काफी स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया वहां का, लेकिन ये है कि आज भी अगर आप धारावी में जाओगे तो खो जाओगे, इतनी बड़ी है क्या स्लम। हालांकि सुविधाएं जुटा दी हैं लोगों ने। अगला क्वेश्चन भाई, अंग्रेजी बोली जाती है सबसे ज्यादा, अंग्रेजी बोली जाती है, फिर मंदारियन बोली जाती है, मंदारियन चीन की चीनी भाषा, उसका हिंदी बोली जाती है। और एक दिन हम इसको ग्लोबल लैंग्वेज बनाएंगे हिंदी को। हाँ कर रहे हैं, आर्टिकल 343 में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी हमारी राजभाषा है, कि राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा है। आर्टिकल 343 सेज हिंदी इज आर ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी हमारी राजकाज की भाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए हम हिंदी को, बात कर रहे हैं ग्लोबल लैंग्वेज बनाने की। कैसे बनाएंगे बताओ? ऐसे नहीं, किसी पे दोष नहीं मढ़ना है। आप अपने प्रोडक्ट में इतना दम रखो कि सामने वाला क्या करे, खींचा चला है ना? हम आपस में ही लड़ेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह की चीज मत लिख देना मेंस में कि वो साथ नहीं दे रहे। दम रखो, प्रोडक्ट को क्या करो, अच्छा करो। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, पर हम ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बना सकते हैं? अपने ज्ञान से। हमें प्रभावित करना पड़ेगा किसको? विश्व को। अंग्रेजों ने तो क्या किया कि उपनिवेश बनाए, इसलिए सारी जगह अंग्रेजी आ गई। हर जगह धरती पर ऐसी कोई जगह, मतलब ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उनका सूर्य ना उगरा होता था, सूर्य अस्त नहीं होता था ब्रिटेन का कभी। किसी ना किसी आइलैंड पर, किसी ना किसी देश में हर समय दिन हो रहा होता था, तो ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता ये बोला जाता था। फिर धीरे धीरे उसके सारे उपनिवेश लगभग छिन गए, भारत आजाद हो गया, साउथ अफ्रीका चला गया, ठीक है, अस्थि हो गया एक तरह से। तो लेकिन जहां जहां वो गए वहां वहां पर जो आखिरी अंग्रेज था जब छोड़ के जा रहा था, जैसे भारत से भी गया, तो जब वो जहाज में टाटा कर रहा था तो बोल रहा था कि हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारी भाषा आप पर राज करेगी। क्या करेगी? वो है आज भी पढ़ा लिखा कौन है? जो अंग्रेजी बोलता है। यूपीएससी में रिजल्ट किसका है? जो इंग्लिश में लिखता है ना? सम्मान किसका है? इंग्लिश बोलने वाले का है। और हिंदी को किस किस श्रेणी में रख दिया आपने? दरिद्र भाषा की श्रेणी में रख दिया। मतलब अपनी मदर टंग को, अपनी मदर टंग को क्या कर दिया? दरिद्र श्रेणी में रख दिया, जबकि सबसे समृद्ध भाषा कौन है? क्योंकि हिंदी में, हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। और देवनागरी लिपि अगर आपको पढ़नी है, अगर व्याकरण पढ़ना है तो पाणिनि का व्याकरण पढ़ के दिखा दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या पाणिनि की अष्टाध्यायी, वो बताएगा आपको फॉर्मूले क्या होते हैं,
त्रिवाण भाषा देव भाषा इसके बताया जाता है कि कंप्यूटर की भाषा इंग्लिश है, लेकिन कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। कारण की कारण यह कि इंग्लिश का कोई रूल नहीं है, बी यू टी बट है, पी यू टी पुट है, कोई नियम ही नहीं है, है ना। यू भी तुम है, तू भी यू है, तुम भी यू है और आप भी यू है यहां पर। लेकिन क्या है, तू के लिए अलग है, छोटा है तो तू, इवन छोटे के लिए तू, लेकिन भगवान के लिए भी तू, माँ के लिए भी तू, पापा के लिए आप, पिताजी के लिए, बड़े के लिए आप, हर जगह पर अलग अलग। इवन हलंत के भी नियम है कि हलंत कहां पर होना है। तो क्योंकि कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ वो ऐसे देशों में हुआ जहां इंग्लिश बोली जाती थी, इसलिए इंग्लिश उसकी लैंग्वेज बन गई। अगर भारत में होता तो उसकी भाषा क्या होती। ठीक है, अगला काम चल रहा है उस पर, देखते हैं क्या होता है। महबूबुल हक भाई, महबूबुल हक ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया, उसको जो लाने वाले थे वो कौन थे, महबूबुल हक। और उनका जो साथ दिया था वो किसने दिया था, प्रोफेसर अमर्त सेन, भारतीय मूल के हैं प्रोफेसर अमर्त सेन, है ना। अगला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कब जोड़ा गया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, इनको मुंह में मतलब बोलना शुरू करो, जो बोल के पढ़ते हैं बच्चे वो उनको ज्यादा याद होता है, जो मन में पढ़ते हैं मन में ही रह जाता है। बोल के पढ़ने वाले बच्चे इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और जो मन में पढ़ते हैं वो मन में बहुत सारा आ रहा होता है लेकिन क्या बाहर आ ही नहीं पाता। अगला क्वेश्चन भाई, 2010 में बता दिया मैंने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रयोग कब किया था, 1990 में। अगला, भारत किसमें आता है, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आता है, मध्यम है, बुद्ध के देश के हैं, मध्यम मार्गीय है, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि क्या कुछ नंबर गेन करने होते हैं, वो नंबर ऐसे नहीं मिलते, वो सब चीजें देखी जाती हैं कि जन्म पर जीवन बहुत सारी चीजें होती है, वो बाद में बताऊंगा मैं, फिलहाल मैं नंबर बता रहा हूँ। 0.800 से ऊपर अगर कोई देश है तो वो किसमें आएगा, किस अत्यधिक उच्च श्रेणी में आएगा। 703 से 796 के बीच में, 0.703 से 0.796, पहला वाला मैंने बोला 0.800, दूसरे का आंसर है 703 से 796, इसी में होता है कंफ्यूजन। ये हो गया उच्च वाले में, मध्यम वाले में 0.550 से 0.699, 0.550 से 0.699, और 0.4549 से कम वाले देश जो आते हैं, जो अफ्रीकी देश हैं, बहुत गरीब देश हैं, सियरा लियोन टाइप, है ना, वो आते हैं किसमें, सबसे निम्न श्रेणी में। समझ में आ गया, ये डिजिट याद करनी पड़ेगी, मेंस में लिखना पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 3 और 4, 4 संकेतक जो है जन्म पर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब जन्म लेता है शिशु तो उस समय उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। जैसे आज हम बोलते हैं कि यार नहीं होता, बोलते हैं हम कि यार 60 तक पहुंच जाएं, 70 तक पहुंच जाएं। जापान वाले नहीं सोचते ऐसे, जापान वाले सोचते हैं 100 तो होंगे ही होंगे पार, इतना मैंने कहा नहीं आपको, 110 साल के भी दिख जाएंगे वहां लोग, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत गजब की है जापान में। तो जन्म पर जीवन प्रत्याशा। दूसरा है स्कूल अवधि के औसत वर्ष, स्कूल की अवधि में कितने औसत वर्ष जो है, एवरेज स्कूल अवधि। दूसरा है स्कूल, तीसरा है स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष। भाई आप स्कूल गए तो जरूरी थोड़ा कि आपने पूरी एजुकेशन ली, पता चला 5वीं में ही क्या हो गए, भाग गए, फेल हो गए, छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हो गया, है ना। तो फिर वो तो स्कूल अवधि के औसत वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये 4 संकेतक हैं। क्या है, और 3 आयाम क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जीवन स्तर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जब कोरोना आया था आपने सुना होगा कि स्वास्थ्य के मामले में इटली बड़ा गजब का देश था, लेकिन पूरी वहां की भी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी, इतने पेशेंट आए कहां से करते भाई, इटली में बहुत अच्छा है। यहां पर आप देखते होंगे कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं, असाध्य रोग ऐसे हैं कि जिसमें अगर डॉक्टर ने बोल दिया ये है
तो समझ लीजिए कि मृत्युदंड मिल गया, बस ये नहीं पता कि कब होगा, क्या मतलब मृत्यु कब होगी। पर पेशेंट को लगभग 90% ये लग जाता है कि भाई अब इसके बाद क्या है। लेकिन यूरोप में कई देश ऐसे हैं जहां पर वो असाध्य रोग होता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, असाध्य रोग होता है, वो लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं, खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे डॉक्टर उनको बताता है, पूरा एक तरह से गारंटी सी देता है कि आप सही हो जाओगे, और होते भी हैं वहां पर। स्किन कैंसर हो गया जैसे यूरोप में बहुत ज्यादा है, कीमो कराते हैं, अपना काम पे जाते हैं, फिर वो। अगला क्वेश्चन भाई, बांग्लादेश सबसे घना जो बसा हुआ है सार्क देशों में, वो बांग्लादेश। स्थिति देख लो क्या है वहां की। अगला, इसको बोलते हैं पुराने समय में एक वो बोला जाता था क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो बुद्धि क्या होती है, विपरीत हो जाती है। बैड वर्कमैन क्वरल विद इट्स टूल्स, एक जो बुरा काम करने वाला व्यक्ति होता है अपने हथियारों से क्या, औजारों से क्या करता है, लड़ाई लड़ रहा होता है। अपने ही लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोग हैं कौन, बांग्लादेश है ना। एक चुनी हुई सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया। अगला, सबसे ज्यादा जनसंख्या नाइजीरिया में है, क्या है, नाइजीरिया में। अगला, सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जो जीवन प्रत्याशा है वो जापान में है, और क्यों है, क्यों है भाई, अनुशासन, क्या है, अनुशासन, जीवन का अनुशासन, मतलब ब्रीथिंग, मतलब अपने सांसों पर बड़ा ध्यान देते हैं, फूड जो है उबला हुआ खाते हैं या जो इसमें बनता है भाप में बनता है उस तरह का खाते हैं, लीवर को कम से कम क्या करते हैं, कष्ट देते हैं, काम करते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, दे आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। ये नहीं कि मैं 60 साल का हो गया अब मैं घर में बैठूंगा आराम करूं, दे आर रिटायर्ड। 80 साल का व्यक्ति भी, 90 साल का व्यक्ति भी आपको सड़क पे दिखेगा सुबह सुबह पत्ते उठाकर किसमें डालते हुए, कूड़ेदान में, पूरा काम करते हैं भाई वो। मैं 90 बोल रहा हूं, 90 की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होगा कहां पर, जेब्रा क्रॉसिंग पर, जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहां पर, वो बच्चों को क्या करा रहा होगा, पार करा रहा होगा। उससे पूछना है आपकी, भाई तुम्हारे पोते पोती हैं क्या, वो कहेगा नहीं मेरे देश के नागरिक हैं, मेरे देश का क्या है, भविष्य है। भाई आप क्यों करा रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभा रहा हूं। और यहां पर क्या कर रहे होते हैं, हम रिटायर्ड हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, आराम करेंगे, तो शरीर को आराम दोगे तो भाई दिक्कत होगी। अपने देश के लिए सोचना, इसीलिए वो विकसित हुआ, अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड होना कि मेरा हो जाए बस, मेरी अगली 7 पीढ़ियां खा लें, बस मैं जमा कर लूं, भ्रष्टाचार वगैरह, देश बर्बाद होगा। अगला, बोलो भाई बोलो, जीवन प्रत्याशा नहीं बोला मैंने, मेरे ख्याल से मैंने ये बोला क्वेश्चन, आयु संभाविता बोला मैंने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, आयु संभाविता बोला मैंने। जीवन प्रत्याशा तो पूरा वो बोला जाता है, ऐसा होता है ना कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 90 लोग 90 90 साल तक जिए, ठीक है बढ़िया है, लेकिन 100 पार नहीं कर पाया, तो हम बोल रहे हैं क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन मैंने कहा कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अधिकतर लोग 100 पार कर चुके हैं, तो वो जापान है, क्या है, जापान। अगला क्वेश्चन, हांगकांग बोला ना आपने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा कहाँ है, हांगकांग में, एक्सपेक्टेंसी हांगकांग में है, लेकिन मैंने कहा आयु जो 100 पार कर रहे हैं लोग वो कहां पर है, जापान में। अगला, परिवार नियोजन अपनाने वाला देश भारत भाई, भारत बड़ा विरोध हुआ, संजय गांधी थे उस समय, क्या करना पड़ा, लालच देना पड़ा लोगों को, कंबल बांटने पड़े, रेडियो दिए गए कि परिवार नियोजन अपनाओ। चलो आगे, शुष्क क्षेत्रों में रहती, खानाबदोश, शुष्क क्षेत्रों में हमेशा क्या होंगे, खानाबदोश होंगे, क्यों होंगे, खाने के लिए है ही नहीं, क्या करना पड़ेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। अगला, तमिल, सिंगापुर के लोग, सिंगापुर जाओगे आप तमिल बोलने वाले कई मिल जाएंगे आपको, तमिल सिंगापुर, आईएएस का क्वेश्चन है ये। अगला, लैप्स जनजाति स्वीडन और फिनलैंड में मिलेगी आपको, स्वीडन एंड फिनलैंड, बातें नहीं,
यही क्वेश्चन आएगा देखना, स्वीडन एंड फिनलैंड। अगला, कुर्द रहते हैं इराक में, मधेशी रहते हैं नेपाल में, और रोहिंग्या रहते हैं म्यांमार में। विराथू के बारे में पढ़िएगा, विराथू एक संत है, कहां का, बौद्ध मॉन्क विराथू, कहां के, म्यांमार के। पढ़ा है उनके बारे में, योगी जी से तुलना की जाती है विराथू की। कौन योगी जी, क्या है वास्तविक नाम योगी जी का, अजय सिंह बिष्ट जी। ग्राम, गांव का नाम बताओ, यमकेश्वर ब्लॉक। अरे यमकेश्वर तो ब्लॉक है भाई, गांव का नाम बताओ। ठीक है चलो अगला, लॉन्ग का द्वीप जंजीबार, ये ऐसा क्वेश्चन रहा कभी, जंजीबार। निर्जनतम द्वीप त्रिस्तादिकुना, ए यहाँ पे मिलेगा नीचे पे, यहीं पे दिख जाएगा आपको अटलांटिक में, ये देखो त्रिस्तादिकुना नीचे, साउथ अमेरिका की जो पूंछ है उसके ऊपर, उसके साइड में, राइट साइड में देखो, केप हॉर्न के राइट साइड में जाओ, राइट। ये क्या लिखा हुआ, यह ऊपर है त्रिस्तादिकुना। अगला फार्मोसा आइलैंड, हाँ ये बिल्कुल निर्जनतम द्वीप, लॉन्ग का द्वीप जंजीबार बता दिया मैंने, निर्जनतम द्वीप त्रिस्तादिकुना बता दिया, फार्मोसा आइलैंड ताइवान, ताइपाई कैपिटल है ताइवान, महिला है यहां पर, चीन की नाक में दम कर रखा उन्होंने, अमेरिका इनके साथ है। अगला नॉर्थ रोडेशिया जाम्बिया, साउथ रोडेशिया जिम्बाब्वे, क्रिकेट खेलते हैं, जिम्बाब्वे खेलता है ना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, नॉर्थ रोडेशिया जाम्बिया, साउथ रोडेशिया जिम्बाब्वे, इसकी बॉर्डर पर एक फॉल पड़ता है विक्टोरिया फॉल, किस नदी पर, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया फॉल, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगला डच ईस्ट इंडीज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया गरुड एयरलाइंस। वॉशिंगटन डीसी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पोटोमैक एंड न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हडसन, पोटोमैक नदी के किनारे है, कौन, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी का मतलब था वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन बोलेंगे स्टेट हो जाएगा वो, बिल्कुल आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में पहुंच जाओगे आप, और अगर वॉशिंगटन डीसी बोलोगे तो एक शहर है जो कि राजधानी है, किस तरफ, दाईं तरफ, बिल्कुल राइट साइड में। अगला ब्यूनस आयर्स, ला प्लाटा, ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा, आपने सुना होगा पराना रिवर कहां गिरती है, रियो डी ला प्लाटा में गिरती है, तो ला प्लाटा, ला प्लाटा बोलते हैं उसको, इतियापू डैम भी है इस पर, पराना रिवर पर, इस पर। अगला क्वेश्चन, डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है जर्मनी से, कहां से, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, ब्लैक सी में गिरती है, ब्लैक ब्लैक है बस, डेन्यूब ब्लैक से शुरू होती है, ब्लैक में गिरती है, ब्लैक फॉरेस्ट काले जंगल नहीं है भाई, माउंटेन रेंज है ना, किस किस प्रकार की, किस प्रकार की बालिके, अरे इधर ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, इधर वोसजेज है फ्रांस में, दोनों के बीच में रिफ्ट घाटी है, और ये किस तरह के माउंटेन हो गए फिर, है ब्लॉक माउंटेन हो गए, तो ब्लॉक माउंटेन रेंज ये हो गई ब्लैक फॉरेस्ट, इधर क्या हो गया फ्रांस में वोसजेज, उसके बीच में से राइन नदी बह रही है जिसको कोल रिवर बोलते हैं, कोयले का परिवहन होता है उसमें, इसलिए कोल रिवर कहा जाता है उसको, तो रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या, राइन, ब्लैक फॉरेस्ट और वोसजेज के बीच में बहती है। भारत में अगर हम बोलेंगे तो नर्मदा किसके बीच में बहती है भाई, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भी रिफ्ट घाटी है, ठीक है, और साउथ वेस्ट मानसून जब आता है ना वहीं से एंटर करता है, उसी रिफ्ट, मतलब उसी घाटी से होकर, और तब अमरकंटक की पहाड़ियों में क्या करता है, बारिश करता है भयंकर, और तब अमरकंटक से निकलती कौन सी नदी, एक निकलती नर्मदा, मतलब नीचे से नदी बह रही, ऊपर से मानसून जा रहा, वो वहां अमरकंटक में बारिश कर रहा, फिर वहां से बारिश बह के क्या हो रही, नर्मदा आ रही, और एक नदी ऊपर जा रही फिर सोन, जो कि क्या मिल रही है, गंगा से मिल रही है, एकमात्र बड़ी नदी जो दक्षिण से होकर उत्तर में जाकर गंगा से मिलती है, कौन सी, सोन। सोन का रेत बड़ा अच्छा माना जाता है, जैसे हमारे उत्तराखंड में गोला नदी का रेत है ना, बजड़ी, गोला नदी खनन सुने हो, कुमाऊं में जाइएगा कभी गोला नदी के आसपास,
बोला सुने हो, बोला नदी नहीं सुना, क्या बात कर रहे हो भाई, उत्तराखंड नहीं पड़ा। कौन सा शहर है गोला नदी के किनारे पड़ा? अरे भाई ऐसे देखते हो मुझे जैसे हा? चलो आगे बढ़ो। सालवीन नदी है वो गिरती है किसमें? मर्दवान की खाड़ी में गिरती है। किसमें? मर्दवान की खाड़ी में गिरती है। इरावदी और सालवीन दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है म्यांमार की। कौन कौन सी? इरावदी और सालवीन, म्यांमार। एक कलादान प्रोजेक्ट भी चल रहा है हमारा, मतलब हो गया होगा पूरा। कलादान प्रोजेक्ट सुना है आपने? अगर माना चिकन नेक टूट गई, चिकन नेक पे अगर दुश्मन देश ने कब्जा कर लिया तो हमारे तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो तो सब टूट जाएंगे। अरे चिकन नेक पता है गर्दन, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मतलब होता है कि भारत से जब हम सेवन सिस्टर्स की तरफ जा रहे होते तो एक पतला सा कॉरिडोर आता है। अगर उस कॉरिडोर पे माना चाइना बैठ गया, बांग्लादेश ने उसका साथ दे दिया, तब क्या करोगे? तब कहां से जाओगे? तब कलादान प्रोजेक्ट का यूज करेंगे हम। कोलकाता से कहां? पानी के जहाजों से जाएंगे। नहीं आया समझ में? आपकी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? सेवन सिस्टर्स पता है कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सेवन सिस्टर्स हैं सिक्किम को छोड़कर। तो जब आप भारत से, मतलब आपने क्या किया कि वेस्ट बंगाल, बिहार पार किया, वेस्ट बंगाल पार किया, तो एक पतली सी स्ट्रिप आती है बीच में, इधर नेपाल, इधर भूटान, नीचे बांग्लादेश, और बीच में चिकन नेक बोलते हैं उसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर वहां पर दुश्मन बैठ गया तब क्या करोगे? तब कैसे जाओगे असम की तरफ? तब हमें कलादान प्रोजेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ जी, बे ऑफ बंगाल से जाएंगे, म्यांमारी तो जाना पड़ेगा, है ना? तब हम फिर उधर से घूम के फिर इधर आएंगे। आएगा आएगा, समझ में आएगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन भाई, सालवीन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? रिटर्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम की है, एसोसिएटेड प्रेस जो है वो यूएसए की है, एसोसिएटेड प्रेस यूएसए, एंड रिटर्स जो है वो कहां की? यूनाइटेड किंगडम। अगला, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा? माजुली। माजुली असोम ब्रह्मपुत्र के बीच में है, ब्रह्मपुत्र ने बनाया, ब्रह्मपुत्री उसको क्या कर रही है? इरोजन हो रहा है उसका, खतरा मंडरा रहा है उस पर, माजुली पर। हमारे त्रिवेणी घाट में भी एक रिवर आइलैंड, क्या है वो? जलोड़ पंख बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जब नदी बहुत भारी भारी पत्थरों, कंकड़ पत्थरों को लेकर आती है, तो जब वो अपनी युवावस्था में होती तब तो व्हाइट वाटर होता है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, लेकिन जब वो मैदानों में उतरती है तो उसका वहन नहीं कर पाती, किसका? उन कंकड़ पत्थरों का। वो क्या करती है? जमा कर देती है। और अर्धचंद्राकार, देखा होगा आपने जब सड़क से जाते हो तो कैसे जाते हो? बैरेज की तरफ, तो ऊपर से अगर आप देखो तो अर्धचंद्राकार शेप होगा उसका, उसको बोलते हैं एलुवियल फैन। क्या बोलते हैं? एलुवियल फैन का एग्जाम्पल है, बेस्ट। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां जाके देख लो। ऐसे श्रीनगर में आप रहे हैं, गढ़वाल श्रीनगर में, श्रीयंत्र टापू भी एलुवियल फैन, क्या है? जमीन मत ले लेना ऐसी जगहों पर, कहीं कोई आपको वो कर दे क्या कि यहाँ होटल बनाओ, कब रातों रात गायब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन बड़ी नदी आएगी, बाढ़ आएगी, उस दिन वो एलुवियल फैन भी क्या होता है? गायब हो जाता है। एलुवियल कोन वहां पर बनता है जब पानी कम और सेडिमेंट ज्यादा होता है, तब बनेगा कोन। और जब पानी ज्यादा और सेडिमेंट कम होता है, उसका जो सेडिमेंट मतलब कंकड़ पत्थर कम होते हैं, तब बनता है एलुवियल फैन। मेंस में इनको दिक्कत होगी देखना इसी क्वेश्चन में, अभी ये गप मार रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी भाई, सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। कहां पर है? इक्वाडोर में। कल बताया था मैंने, साउथ अमेरिका में 0 डिग्री इक्वेटर तीन देशों से जा रही है, ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अगला क्वेश्चन, इत्यापू डैम, यही पूछा मैंने, इत्यापू डैम किस पर है? पराना रिवर पर है। यही पराना, मैंने कहा आगे चलकर रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। किसमें गिरती है? रियो डी ला प्लाटा में।